मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज को यहाँ पर सीखने वाले हैं। मैसेज है कि अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को रिजेक्ट करते हैं, उसे नहीं सुनते हैं, और अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से इनकार कर देते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है। तो चलिए परमेश्वर के वचन से देखते हैं, यिर्मयाह अध्याय 36 वचन 23 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब यहूदी यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, जब ये यहूदी 3-4 पुस्त पढ़ चुका था, तब उसने उसे चाकू से काटा। इस पुस्तक को जिसे वह पढ़ रहा था चाकू से काटा और जो अंगीठी वहाँ पर बल रही थी उसमें फेंक दिया। सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जल कर भस्म हो गई। ये सब करने के बाद वचन 24 में लिखा है कि परंतु ना तो कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वह सब वचन सुने थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी दे देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यिर्मयाह का जो लिखने वाला था, जो उसके वचनों को लिखता था, जो भी भविष्यवाणियाँ, जो भी वचन परमेश्वर उसे देता था, वो था नेरिया का बेटा बारूक। और बारूक यहाँ पर एक पत्र को लेकर यहूदी लोगों के पास गया था और उन्होंने ये पत्र राजा तक पहुँचा दिया था। और जब राजा के सामने इन वचनों को पढ़ा गया है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये वचन यहूदा के द्वारा पढ़े जा रहे थे, तो उसने पढ़ते वक्त ही जब कुछ वचनों को पढ़ा जो उसे पसंद नहीं आए, तो उसने वचन को काटा, उस जो लेटर था उसको काट कर जो अंगीठी वहां पर बल रही थी उसमें डाल दिया। अब सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के वचन को अंगीठी में डाल दिया, उसे जला दिया और आगे लिखा कि पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। अब सबसे पहले लिटरली अगर हम देखें तो कई जगहों पर हमारे इंडिया में भी परमेश्वर के वचनों को जला दिया गया था, परमेश्वर के वचनों को जला दिया गया था। कई जगह पर परमेश्वर के वचनों को फेंक दिया जाता है, इसका मजाक बनाया जाता है, और कई जगह पर कई लोग इस परमेश्वर के वचनों को गलत तरीके से खाते हैं, इसका मजाक बनाते हैं, और परमेश्वर के वचनों का मजाक बनाते हुए वह जश्न मनाते हैं। तो पहले तो अगर हम लिटरली देखें तो ऐसा भी हो रहा है। और दूसरा, जब मसीह भाई बहन या जो कोई भी परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब वह परमेश्वर की उन बातों को, परमेश्वर के वचनों को जो प्रचार किया जा रहा है उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं, वह उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, उसे पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। जिसका मतलब है कि वह लिटरली तो बाइबल को फाड़ नहीं रहे हैं, लिटरली तो बाइबल को जला नहीं रहे हैं, लिटरली तो बाइबल को मॉक नहीं कर रहे हैं, उसका मजाक नहीं बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनते हुए, परमेश्वर के आज्ञाओं को ना मानते हुए, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हुए वह परमेश्वर को और उसकी आवाज़ को, उसके वचनों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जब इस राजा ने, यहूदियों के राजा ने, इसराइलियों के राजा ने परमेश्वर के इस आवाज़ को सुनने से इनकार कर दिया, उस वचनों को फाड़ दिया, फेंक दिया आग में और पूरी पुस्तक को जलाकर राख कर दिया, और जब हम वचन जैसे हमने 24 में पढ़ा है कि उनमें से कोई भी नहीं डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, ना राजा ने, ना उसके कर्मचारियों ने, जिन्होंने भी उसके वचनों को सुना था, किसी ने भी तौबा नहीं की, किसी ने भी पश्चाताप नहीं किया परमेश्वर के वचनों को सुनकर, वरन उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर दिया तो इसका नतीजा क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस उन्हें क्या भुगतना पड़ा। तो ये हम पढ़ते हैं, जब हम इसी अध्याय 36 को आगे पढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर देखिए यहाँ पर क्या कहता है। वचन अध्याय 36 वचन 30 और 31 में लिखा है, इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में, यहोयाकीम वो राजा था जिसने परमेश्वर के वचनों को रिजेक्ट किया था, यहोयाकीम के विषय में ये कहता है कि कोई भी उसकी संतान से आने वाले समय में इस गद्दी के ऊपर नहीं बैठ पाएगा। फिर आगे लिखा है, और उसकी लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। मतलब उसकी लोथ को जैसे पहले प्रॉपर बरियल होता था, लोगों को आदर और सम्मान के साथ कब्र में दफन किया जाता था, और ऐसा बरियल वचन कहता है कि उसे नहीं मिलेगा, उसकी जो लोथ है, उसकी जो डेड बॉडी है वो ऐसे फेंक दी जाएगी। और आगे तीसरी बात, मैं उसको और उसके वंश को और उसके कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा।
उसको भी, उसकी वंश को भी और उसके कर्मचारियों को भी जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को रिजेक्ट किया है, सुनते हुए भी परमेश्वर के वचनों की बात को नहीं माना है, परमेश्वर कहता कि मैं उन्हें दंड दूंगा। और जितनी विपत्तियां मैंने उन पर और यरूशलम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सबको मैं उन पर डालूंगा, सारी विपत्तियों को। जब हम पढ़ते हैं पहला थसलुनीकियों अध्याय 4:8, तो यहां पर लिखा है कि इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्यों को नहीं परमेश्वर को तुच्छ जानता है, वरन वह परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो परमेश्वर ने उन्हें यह सब सजा दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस पत्री को, उन वचनों को जो बारूक वहां पर लेकर आया था, सिर्फ उसे ही रिजेक्ट नहीं किया था, वरन जैसे हमने पहला था थसलुनीकियों 4:8 में पढ़ा है कि उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना था, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट किया था। पहला था थसलुनीकियों 4:8 में लिखा है कि इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है, यानी इन वचनों को तुच्छ जानता है, वह मनुष्यों को नहीं या किसी पत्री को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना आत्मा तुम्हें देता है। तो उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना और जिसकी सजा उन्हें क्या मिली कि परमेश्वर ने सबसे पहले इस राजा के राजा से कहा कि तेरी वंश से कोई भी अब दाऊद की गद्दी पर कोई नहीं बैठ पाएगा, और दूसरा परमेश्वर ने कहा कि तेरी लोथ को प्रॉपर बरियल नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही नाश हो जाएगी, इसे फेंक दिया जाएगा। और तीसरी बात परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे वंश को, तुझे और तेरे सब कर्मचारियों को जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी अपने मन को नहीं फिराया, इन सबको दंड दूंगा, और सारी विपत्तियां जो मैं तुम्हारे ऊपर डालने वाला था अब मैं उन्हें जरूर डालूंगा। उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, परमेश्वर के वचनों को रिजेक्ट किया। जब हम पढ़ते हैं जकरिया अध्याय 7:12 में, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वह उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। क्यों भड़का? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना। आज अगर हम अपने संसार में देखें, अपने भारत देश में देखें, तो ये सारी विपत्ति जो आई हुई है, ये जो पेंडेमिक आज पूरी दुनिया को डरा कर रखा हुआ है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की आंखों में आंखें डालकर सीना ठोककर कहा है कि हम तेरे वचनों को नहीं मानेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि औरत मर्द के साथ शादी करे, लेकिन लोगों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मर्द मर्द से शादी करेगा, स्त्री स्त्री से शादी करेगी। और कानून ने भी, सरकारों ने भी और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इस बात को हाँ कह दी और ये सब होने लगा। मतलब जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसे जानबूझकर ठुकरा दिया। परमेश्वर ने कहा कि शादी से पहले एक साथ रहना गलत बात है, पाप है, इसकी सजा मिलेगी। लोगों ने कहा कि हम तेरी बात को नहीं मानेंगे, लोगों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया, मतलब शादी से पहले एक साथ रहना शुरू कर दिया। मतलब कि परमेश्वर को सामने देखकर उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे। जिसका नतीजा क्या हुआ कि परमेश्वर, परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे हमने पढ़ा है कि मैं जितनी विपत्तियां मैंने उन पर और यरूशलम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सबको मैं उन पर डालूंगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के वचनों को त्याग दिया, परमेश्वर ने जो नियम बनाए थे, जो कानून बनाए थे, उनकी उल्लंघना की है। अब मैं आपके सामने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ नतीजे बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर हम परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर के वचनों को रिजेक्ट करते हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा। सबसे पहले, दोज हु फॉरसेक गॉड एक्सपीरियंस हिज एंगर। जो परमेश्वर के वचनों को रिजेक्ट करते हैं, उसे नहीं मानते हैं, छोड़ देते हैं, वह उसके क्रोध का अनुभव करते हैं। तो ये परमेश्वर का क्रोध कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हमें भड़काना चाहिए। देखिए, ये इज़राइल के लोग, इज़राइल की जो संतानें थी, जो बच्चे थे, इन सब ने परमेश्वर की नज़रों में बहुत बड़ी बुराई की।
इन्होंने बाल देवता की पूजा की और जितने भी सीरिया के, सिदोन के, मोआब के, अमोन के और फिलिस्तियों के गॉड थे, देवी देवता थे, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, उनके पीछे जाना शुरू कर दिया और ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसकी सेवा करना छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ, पवित्र वचन हमें कहता है नयों अध्याय 10:7 में, तब यहोवा का क्रोध इज़राइल के ऊपर भड़का और उसने उन्हें फिलिस्तियों और अमोनियों के अधीन में कर दिया। तो क्या आप यहां पर देख रहे हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं, उसके वचनों को रिजेक्ट करते हैं, तो इससे परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है हमारे ऊपर। इज़राइली लोगों ने परमेश्वर के जो क्रोध है उसे प्रवोक किया, उसे उकसाया, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नतीजा उजाड़ में, जब वह मूसा के साथ सफ़र कर रहे थे, उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। जब हम व्यवस्था सार उसके अध्याय 9:7 में पढ़ते हैं, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 9:7 में, तो वहाँ पर परमेश्वर के खिलाफ जो उनका रेबेलियन था, जो उनका विरोध था, उसको एक्सप्लेन किया गया है। और हम यहाँ तक जानते हैं कि इस सफ़र में, जब वह यात्रा में थे उजाड़ में, उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को बार बार उकसाया, बार बार परमेश्वर के वचनों को तुष्ट जाना, बार बार परमेश्वर के वचनों को रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से वो लोग जो मिस्र देश से निकाले गए थे, जो मिस्र देश से निकाला था, जिन्हें परमेश्वर ने वादा की हुई पृथ्वी तक लेकर जाने के लिए, उनमें से सिर्फ 2 लोग ही कनान देश यानी वादा की हुई धरती तक पहुँच सके, और वो थे यहोशुआ और कालेब। बाकी सब जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को रिजेक्ट कर दिया, वे उनमें से कोई भी उस वादा की हुई धरती तक नहीं पहुंच सका। तो आप सबसे विनती है कि परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर को रिजेक्ट मत कीजिए, उसे मत छोड़िए, उसे तुष्ट मत समझिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करें, क्योंकि आप मसीही में हैं। दूसरी बात, God forsakes those who forsake him. जो परमेश्वर को रिजेक्ट कर देते हैं, जो परमेश्वर को तुष्ट जानते हैं, परमेश्वर भी उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर भी उन्हें त्याग देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। This is a logical reaction of God in his anger to those who forsake him. तो अगर आप परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको मजबूर नहीं करेंगे कि आप उसे पसंद करें, आप उसे प्यार करें। अगर आप परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर भी आपको नहीं चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर आपको त्याग दे, आपको छोड़ दे, तो आप भी उसे मत त्यागिए, आप भी उसे मत छोड़िए, उसे मोहब्बत कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसके साथ बने रहिए, उसकी प्रस्तुति कीजिए, परमेश्वर से मोहब्बत कीजिए। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, पहला इतिहास अध्याय 28:9 में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, यह वचन सिर्फ सुलेमान के लिए नहीं, वरन आपके लिए और मेरे लिए भी है, कि हे मेरे पुत्र, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे, सुनिए बात को, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिल जाएगा, अगर तू उसकी खोज में रहेगा तो, परंतु यदि तू उसको त्याग देगा, यदि तू उसको छोड़ देगा, यदि तू उसके वचनों को तुष्ट जानेगा, तो वह सदा के लिए तुझको भी छोड़ देगा। तो गॉड इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। हिब्रू चैप्टर 13:8, इब्रानियों अध्याय 13:8 में लिखा कि परमेश्वर कल, आज और हमेशा तक एक ही जैसा है। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो आज्ञाएं हैं, वह सेम हैं, जो पहले थी वह आज भी हैं। अगर आप उसकी खोज में रहेंगे तो आप उसे पालेंगे, वह भी आपको, आपकी खोज में रहेगा, वह आपको मिल जाएगा, वह अपने आप को आपसे छिपाएगा नहीं, आपसे अपने आप को दूर नहीं लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे छोड़ देते हैं, उसे त्याग देते हैं, उसके वचनों को नहीं सुनते हैं, तो वो भी आपको नहीं सुनेगा, वो भी आपको छोड़ देगा। ये जो जकरिया था, उसने जो उस वक्त का राजा था योश, उसे कहा, दूसरा इतिहास अध्याय 24:20 में लिखा है कि तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यह कहता है, आपको सुनिए मेरी बात को, परमेश्वर यह कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। लिखा है कि ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता है अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को टालोगे तो। देखिए अपने आसपास में हो क्या रहा है।
आपका भला नहीं हो सकता है। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, उसके वचनों को त्याग दिया है, उसकी आज्ञाओं को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तो जो परमेश्वर को त्याग देते हैं तो परमेश्वर भी उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में आनंदित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर भी उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि उन्होंने पहले परमेश्वर को छोड़ दिया है। उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं है, इसलिए परमेश्वर उन्हें मजबूर नहीं करेगा कि आप लोग मुझे पसंद करो, क्योंकि वह लोग परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, वह परमेश्वर को वैल्यू नहीं देते हैं, वह परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते हैं, इसलिए परमेश्वर भी उन्हें छोड़ देगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा अगर आप परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। तो तीसरी बात, दोज हु फॉरसेक द लॉर्ड शैल बी पुट टू शेम। जो लोग परमेश्वर को छोड़ देंगे, जो लोग परमेश्वर को त्याग देंगे, वह लोग शर्मिंदा होंगे, वह लोग त्याग दिए जाएंगे, लज्जित होंगे वह लोग। तो परमेश्वर को छोड़ने का मतलब है कि उसके विपरीत चलना, उसके विरोध में चलना, जिसका मतलब है कि उसे लज्जित करना, उसका अनादर करना, उसका आदर ना करना। इसके बावजूद जो कोई भी परमेश्वर को छोड़ देता है, उसकी सेवा नहीं करता है और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है, इसका मतलब है कि वह सच्चे और जिंदे परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहा है, उसे लज्जित कर रहा है। और ये एक बहुत बड़े डेल्यूजन को, बहुत बड़ी दुविधा को खड़ा करता है। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 13 में लिखा है कि हे यहोवा, हे इसराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं, जितने तुझे त्याग देते हैं, जितने तुझे छोड़ देते हैं, वह सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन के जल के सोते यानी यहोवा को त्याग दिया है। जितनों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, वह सब लज्जित होंगे। जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है, वह सब लोग लज्जित होंगे। उनके लिए उम्मीद है जो परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसकी तरफ मदद के लिए देखते हैं। उनके बारे में भजन संहिता 34 वचन 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाएगा, वह कभी लज्जित नहीं होंगे। तो चौथी बात थी कि जो लोग परमेश्वर को, उसके वचनों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तुष्ट जानते हैं, तो वह लोग लज्जित होते हैं। चौथी बात, दोज हु फॉरसेक द लॉर्ड विल सफर डिस्ट्रक्शन। जो लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं, वह लोग नाश हो जाएंगे। इब्रानियों उसके 12 अध्याय वचन 29 में लिखा है कि परमेश्वर एक भस्म कर देने वाली आग है। और यशायाह अध्याय 1 वचन 28 में लिखा है, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा, जिन्होंने परमेश्वर को त्यागा है। तो अगर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हम अपने आप के ऊपर बर्बादी को, नाश को लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए, इफ यू रिजेक्ट लाइफ बोट इन ए सी, अगर आप एक समुद्र में जो लाइफ बोट आपको मिलती है आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, अगर आप उसे नहीं लेते हैं, तो अगर उस बेड़ी में, उस समुद्र में बाढ़ आ जाती है तो आपको नाश होना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो लाइफ बोट थी उसे रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी उदाहरण, इफ़ यू रिजेक्ट अ पैराशूट ऑन ए प्लेन, अगर आप प्लेन में हैं और आपको पैराशूट दिया जाता है कि जहाज इतने समय के बाद क्रैश होने वाला है, सो आप इस पैराशूट को लेकर नीचे उतर सकते हैं, और आप कहते हैं वेल मुझे इस पैराशूट की ज़रूरत नहीं है, तो आप जरूर ही नाश हो जाएंगे, क्योंकि आपने आपकी ज़िंदगी बचाने वाले पैराशूट को रिजेक्ट कर दिया है। इसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ की बोट है, जो आपकी ज़िंदगी के समुंदर में आपको बचा सकती है। परमेश्वर वह पैराशूट है कि अगर आपकी ज़िंदगी का जो प्लेन है, जो जहाज़ है, वह क्रैश हो जाएगा, तो वो आपको ज़िंदगी दे सकता है, वो आपको बचा सकता है। अब यूथ, जो हमारे जवान भाई बहन हैं, वह भी परमेश्वर के इन वचनों से बाहर नहीं है। सुलेमान लिखता है सर्वोपदेशक अध्याय 12 वचन 1 में कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, उसे रिजेक्ट मत कर, उसे याद रख, उसे अपने मन से, दिल से निकाल ना दे, उसे याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के व बुराई के दिन आए,
वह महामारियों के दिन आए और वह हर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सबोपदेशक 12:1 में लिखा है। सो डोंट बी अ यूथ हु फॉरसेक्स गॉड। वह यूथ ना बने, वह जवान भाई बहन ना बने जो परमेश्वर को त्याग देता है, जो परमेश्वर के वचनों को त्याग देता है और जो गलत कामों में, बुरी अभिलाषाओं में, लालसाओं में अपनी जिंदगी को गंवा बैठता है। दूसरा तिमोथियस अध्याय 2:22 में जवानों के लिए बात कही गई है। पौलुस लिखता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से, पहली बात है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और दूसरी बात वह कहता है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ जो परमेश्वर का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। सो द परस्यूट ऑफ यूथफुलनेस लीड्स टू रिग्रेट लेटर इन लाइफ। तो जब हम इन जवानी की अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं तो बाद में जाकर हमारी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी निराशा को लेकर आएंगे। रिमेंबर द लॉर्ड इन योर यूथ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने परमेश्वर को याद रखें, उसकी महिमा करें, उसकी सेवा करें अपने पूरे जीवन काल तक। तो परमेश्वर को भूल जाना मतलब कि परमेश्वर को छोड़ देना है, इसलिए परमेश्वर को याद रखें, उसे त्यागें मत। अगर आप परमेश्वर को त्याग देते हैं, अगर आप परमेश्वर को भूल जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी मूर्खता की बात होगी। सो डोंट मैटर व्हाट यू थिंक यू हैव बिकम अचीव्ड और अक्यूमुलेटेड, डोंट फॉरसेक द गॉड। ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या बन गए हैं, आपने क्या अचीव कर लिया है, क्या हासिल कर लिया है और आपका कितना बड़ा नाम हो गया, आपने कितनी बड़ी धन दौलत इकट्ठी कर ली है। इन सब के बावजूद भी परमेश्वर को कभी मत छोड़िए, परमेश्वर को हमेशा याद रखिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरे भाई बहन हैं, जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, आप इनमें से एक ना बने जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो अंत में, कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी करें, परमेश्वर के वचनों की उल्लंघना ना करें, कि परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपने पूरे मन से प्रेम कर। सबसे बड़ी आज्ञा यही है, हमेशा उसकी सेवा कर, अपने दिल से उसे पुकार, परमेश्वर के प्रति वफादार रहो, लगातार पवित्र जीवन जीने की चाह में रहो, आत्मिक जीवन में लगातार उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ। यही परमेश्वर की आज्ञा है और यही परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर को त्याग देना, परमेश्वर को छोड़ देना एक ऐसे होगा कि जैसे जो प्रोटेक्शन वाली, जो सुरक्षा वाली दीवार आपके आसपास में है आप उसे गिराना चाहते हैं। आप अपने आप को ऐसा करके नहीं बचा सकते हैं। अगर आप सुरक्षा वाली लाइफ बोट है, अगर आप उसे रिजेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप बुराई को, आप तबाही को, आप डिस्ट्रक्शन को अपने ऊपर बुला रहे हैं। दीज एग्जाम्पल्स ऑफ इसराइलाइट्स, ये जो इसराइलियों की उदाहरण है, ये हमें ये सिखाती है कि जो जातियाँ, जो देश, जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं और परमेश्वर के वचनों के बिल्कुल विपरीत खड़े हो जाते हैं, वह अपने किए का हर्जाना जरूर भुगतेंगे। ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चाहते हैं कि कोई नाश हो जाए, नहीं, वरन पाप उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन को लेकर आता है। क्योंकि देखिए, जो मौत है, मौत क्या है? मौत पाप की मजदूरी है। हम इसे कमाते हैं, इसे खुद कमाते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नाश हो, वह चाहते हैं कि सब पश्चाताप करें और उद्धार को पाएं। और अगर हम बर्बाद होते हैं, अगर हम नाश होते हैं तो ये हमारे खुद अपनी वजह से होते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को छोड़कर परमेश्वर के वचनों के खिलाफ खड़े होते हैं, जिसका मतलब हम पाप करते हैं और पाप की मजदूरी वचन कहता है मौत है, जिसका मतलब है कि हम मौत को खुद कमा रहे हैं, हम मौत के लायक काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ये जो राजा था जिसने परमेश्वर के वचनों को काटा, उसे आग में डाल दिया, तो जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे सजा दी, उसके वंशज को, उसके कर्मचारियों को, उसके सारे लोगों को जो उसके साथ थे उन्हें सजा दी। इसी तरह आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए चेतावनी है कि हो सकता है कि परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए आप इन वचनों को रिजेक्ट कर दें,
लेकिन आज वक्त है कि आप पवित्र जीवन जीना शुरू करें। इस बहुत ही मुश्किल हालात में जिससे हम होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र बने, परमेश्वर के साथ वक्त बिताएं और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो आज मुश्किल हालातों में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो नाश हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो कोरोना के साथ लड़ रहे हैं। सो प्लीज़ इन वचनों को सीरियसली लें, इन वचनों को रिजेक्ट मत कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।